चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अश्लील वीडियो कांड में जेडीएस सांसद प्रोफेसर रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर, पहले ही निकल गए विदेश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हसन से एनडीए उम्मीदवार और मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े वायरल अश्लील वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। विवाद के बीच प्रज्वल और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न और पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि शिकायत उनके रसोइये ने दर्ज कराई। बाप बेटे दोनों को नामजद किया गया है। इस विवाद के बीच रेवन्ना के विदेश चले जाने की भी खबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी पर 6 साल चुनावी बैन वाली याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट बोला, पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोदले का आरोप था कि प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। चुनाव आयोग जोंदले की शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा, हम ये याचिका खारिज करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कोर्ट ने पूछा, क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को अलग किया जा सकता है? जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेगा। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाए जिसमें सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंचूर ने कहा कि देखिए इसे किस तरह से किया गया है, ओएमआर शीट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जो लोग पैनल में नहीं थे उन्हें रिक्रूट किया गया, यह फ्रॉड है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महिंद्रा XUV 3XO की भारत में लॉन्चिंग आज। यह पैनोरमिक सनरूफ वाली देश की पहली कॉम्पैक्ट SUV, एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा 29 अप्रैल को जबरदस्त कार लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च होने के बाद यह कार देश की पहली सब कॉम्पैक्ट SUV होगी जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया जाएगा। दोस्तों इसका माइलेज 20.1 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि इंडियन कार मेकर कार के कई फीचर्स के टीजर के जरिए भी शेयर कर चुकी है। इसमें 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेक सिस्टम, 10.25 इंच की डिजिटल ड्राइव डिस्प्ले, 7 स्पीकर वाला हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से यूजर स्मार्टफोन से एसी को कंट्रोल कर सकेंगे। इससे कस्टमर्स कार में बैठने से पहले केबिन को ठंडा कर सकेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, समन नजरअंदाज क्यों किए, जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? सिंघवी का जवाब, क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से ASG SV रामज ने दलीलें रखी। बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ है, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर ईडी के वकील SV राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए थे, आपने नजरअंदाज किए हैं। कोर्ट में सुनवाई 2:55 पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखी। कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए, हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह एडिटेड वीडियो केस, तेलंगाना CM को समन। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को बुलाया, अपना मोबाइल साथ लाने को कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को समन जारी किया है। दिल्ली पुलिस रेवंत से 1 मई को पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने रविवार को इस मामले में FIR दर्ज की थी। दरअसल दोस्तों, वायरल वीडियो में अमित शाह SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी PTI के फैक्ट चेक में ये वीडियो फेक साबित हुआ। इस एडिटेड वीडियो को वायरल करने को लेकर एक शिकायत भाजपा ने और दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय ने की थी। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में FIR दर्ज कराने का फैसला किया है। उधर CM हेमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया कि इस मामले में असम से रितोम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
इराक में समलैंगिक संबंध अपराध घोषित, 15 साल की सजा होगी। समर्थक बोले, यह धर्म की रक्षा के लिए जरूरी। जी हां दोस्तों, इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास कर दिया। बीबीसी न्यूज के मुताबिक इराक में अब समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 10 से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए कानून के अनुसार ट्रांसजेंडर लोगों को भी 3 साल तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस फैसले का समर्थन करने वालों ने कहा है कि नए कानून के जरिए वो देश में धार्मिक भावनाओं की रक्षा करेंगे। दोस्तों, अल जजीरा के मुताबिक इराक में अब समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोगों को, लिंग परिवर्तन सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा जानबूझकर महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष और पत्नी की अदला बदली में शामिल लोगों को भी नए कानून के तहत जेल की सजा हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई के CSMT पर ट्रैक से उतरी लोकल ट्रेन, हार्बर लाइन पर रेल सेवा हुई ठप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली एक लोकल ट्रेन के डीरेल होने की वजह से हार्बर लाइन पर परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन का एक डिब्बा सोमवार सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर पटरी से उतर गया। इस हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमेरिका के ओक्लाहोम में 2 दिन में 35 टोर्नेटो आए, 4 की मौत, 100 घायल, 20,000 घरों में बिजली हुई गुल, 500 मकान हो गए हैं तबाह। जी हां दोस्तों, अमेरिका के ओयावा और ओक्लाहोम राज्यों में पिछले 2 दिनों में 35 से ज्यादा टोर्नेटो आए हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तूफान की वजह से अब तक एक नवजात समेत 4 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। टोर्नेटो की वजह से अकेले सल्फर शहर में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। यहां ज्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी है और अब तक 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ICICI बैंक के ग्राहक ध्यान दें, डेबिट कार्ड से लेकर चेकबुक तक 1 मई से लगेंगे ये चार्जेस। जी हां दोस्तों, मार्केट कैप के हिसाब से भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ग्राहकों के लिए अपने कुछ सर्विसेज के चार्ज में संशोधन करेगा। ये बदलाव 1 मई 2024 से प्रभावी होंगे। बैंक ATM, यूजेज डेबिट कार्ड, चेकबुक, IMPS, स्टॉप पेमेंट, सिग्नेचर, अटेस्टेशन और अन्य से संबंधित चार्ज में बदलाव करेगा। दरअसल दोस्तों, बैंक ने डेबिट कार्ड का सालाना चार्ज 200 रुपए सालाना और ग्रामीण इलाकों में 99 रुपए सालाना करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दोस्तों, चेकबुक की बात करें तो 1 साल में 25 चेक मुफ्त में लिए जाएंगे, इनका कोई चार्ज नहीं लेगा। उसके बाद हर चेक पर 4 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, DDPO कैंसिल होने, डुप्लीकेट, रिवैलिड करने के लिए 100 रुपए देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, IMPS पर भी चार्ज लगेगा। आउटवर्ड IMPS 1,000 रुपए तक के अमाउंट पर 2.5 रुपए, ट्रांजेक्शन पर 1,000 से 25,000 तक के ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन और 25,000 से 5 लाख रुपए तक 15 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन का चार्ज लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 941 अंक की तेजी के साथ 74,671 पर बंद, निफ्टी में भी 223 अंकों की रही बढ़त। IREDA इराडा का शेयर 6.5% चढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 941 अंकों की तेजी के साथ 74,671 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी 223 अंकों की बढ़त रही, ये 22,643 के स्तर पर बंद हुआ। केजरीवाल से कल जेल में नहीं मिल पाएगी पत्नी सुनीता, तिहाड़ प्रशासन ने इस नियम का हवाला देकर नहीं दी इजाजत। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी है। सुनीता कल दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाने वाली थी। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक कल आतिशी को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जेल जाना है। दोपहर में 12:30 बजे का टाइम फिक्स है। एक हफ्ते पहले यह मीटिंग फिक्स की गई थी और उसके अगले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की केजरीवाल संग मीटिंग फिक्स है, इसलिए सुनीता केजरीवाल को कल अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि पहले से फिक्स 2 मीटिंग्स हो जाने के बाद सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी जाएगी, यानी कि वह मंगलवार के बाद उनसे मिल सकेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेल मैनुअल के मुताबिक 1 हफ्ते में 2 मुलाकात की ही इजाजत होती है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक केजरीवाल की पत्नी सुनीता अब तिहाड़ जेल में उनसे 4-5 मुलाकात कर चुकी है, लेकिन जेल मैनुअल सबके लिए लागू है, चाहे कोई आम हो या खास हो।